तो भारतीय टीम ने भविष्य में अपना पहला कदम रख दिया है और श्रीलंका के खिलाफ हमने स्क्वाड जारी कर दिया है। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि सूर्या को हार्दिक के ऊपर कप्तान बनाना है बवंडर या फिर ब्लंडर। संजू ने लास्ट ओडीआई में शतक मारा और फिर शर्मा जी ने लास्ट टी20 सीरीज में शतक मारा, फिर भी क्यों नहीं मिला दोनों को मौका। गिल भाई को आखिर किस बेसिस पर गायकवाड़ के ऊपर टी20s में प्रेफरेंस मिल गई? जीजी सर ने अपने पहले असाइनमेंट में खेल दिया है मास्टर स्ट्रोक या फिर हो गया है खिलाड़ियों का मिसयूज? चलिए जानते हैं। तो जी हाँ भाई साहब, आते संगी हमारे गंभीर साहब ने एक मास्टर प्लान तैयार कर दिया है जिसके तहत हमारे सूर्य कुमार यादव बन चुके हैं भारतीय टीम के नए टी20 कप्तान। और जैसे ही वो बने उनका सबसे पहला यही कहना है कि नहीं टेम्परेरी नहीं, परमानेंट हूँ सर। जी हाँ भैया, उन्होंने बोल दिया कि मैं परमानेंट हूँ और अब मैं ही 2026 तक आपका कप्तान रहने वाला हूँ, क्योंकि गंभीर जी के तो यही प्लान्स हैं। और गंभीर मीटिंग की गई हार्दिक पांड्या से, बहुत गंभीर हुई है। सुनने में आया कि 2-3 दिन लगातार ये बातें चली, ये चर्चाएं हुई और बीसीसीआई ऑफिस में हार्दिक पांड्या को ये समझाया गया कि क्यों आप हमारी फर्स्ट चॉइस नहीं है, जो कि अब तक आप ही हमारी फर्स्ट चॉइस थे। तो हार्दिक भाई का तो भाई जिस तरीके से कटा है यार, मतलब मुझे तो उनके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट तो ये है कि सुमन गिल भैया वाइस कप्तान बन चुके हैं। ये बात बिल्कुल साफ है कि सुमन भाई के पास वीडियो तो है, ये तो मैं समझ चुका हूं, क्योंकि वाइस कप्तान वो कैसे बन गए भाई, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है गिल भाई। लेकिन चलो मैं आपको रियलिटी बता देता हूं। रियलिटी ये है कि जब हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने का फैसला नहीं लिया गया होगा तो हार्दिक ने बोला होगा कि फिर भाई मैं हाथ जोड़ा हूं, मुझे वाइस कप्तान बनने का कोई शौक नहीं है। तो फिर मैनेजमेंट ने कहा होगा कि चलो फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हुए शुभमन गिल को वाइस कप्तान बना देते हैं। लेकिन भाई साहब, अब जीजी सर भी सीनियर है, वरना तो हार्दिक भाई कह ही देते कि जिस तरीके से जीजी सर आप कहते हो ना कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया था, उसी तरीके से एक कैच ने भी वर्ल्ड कप नहीं जिताया था। मतलब अब तक मैं भैया वाइस कैप्टन था, सबसे ज्यादा फ्रंट रनर था कैप्टन बनने का, और अब मैं कुछ नहीं हूं दोनों में से, तो ये भैया तो बड़ा अन्याय हो गया। लेकिन चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगर यहां पर स्क्वाड के बारे में, तो इस स्क्वाड में तो भाई सूर्या भाई के कप्तान बनने के बाद वही बस एक शॉकिंग मूव था, उसके अलावा तो काफी चीजें आपको एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही नजर आती हैं और लग रहा है कि भारतीय टीम भविष्य की तरफ किस तरीके से सोच रही है। काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी आपको नजर आएंगे, लेकिन इसमें रियान पराग भाई अब कौन से जिम्बाब्वे सीरीज से उनका सिलेक्शन हुआ है ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चलिए वो भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मेरे लिए ना उससे कोई दिक्कत नहीं है, रियान भाई है, अच्छी बात है, अच्छा परफॉर्म करते हैं, राजस्थान के लिए अच्छा किया है, होपफुली अच्छा करेंगे आगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई दिक्कत मेरे को तब आती है जब मैं देखता हूं कि इस टी20 स्क्वाड में गायकवाड़ और अभिषेक दोनों में से कोई नहीं है। आई मीन ये अनबिलीवेबल है कि अभिषेक शर्मा एक टी20 टीम के स्क्वाड में जगह नहीं बना पाते हैं। मेरी समझ से ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है कि अभिषेक शर्मा और गायकवाड़ जैसे प्लेयर्स की कोई जगह नहीं बनती है, वरना द वे दे हैव कंसिस्टेंटली परफॉर्म्ड और जिस तरीके का डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज अभिषेक है और जिस तरीके की हमेशा कंसिस्टेंसी गायकवाड़ ने दिखाई है, इन दोनों में से एटलीस्ट किसी एक को तो यार होना ही चाहिए था। और फिर उसके बाद जब मैं देखता हूं कि गिल भाई वाइस कप्तान बने फिर रहे हैं, तो ये तो जाहिर तौर पर गिल के भी फैंस को पता है, उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि ये तो भैया फिर वो वीडियो वाली बात हो गई कि लिंक है किसी के पास या फिर थोड़ा सा फेवरेटिज्म का टैग यहां पर लग जाएगा, नहीं तो कोई लॉजिक नहीं बनता है कि यार एक तरीके से आप देखते हो कि यार ये खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया, यार काफी अच्छा किया है, लेकिन इनकी जगह भी नहीं बनती है, तो ये चीज तो फिर आपको अन्याय सा ही प्रतीत होता है, इसमें और कोई लॉजिक नहीं है। एनीवे, अगर बात करें ओडीआई स्क्वाड के बारे में तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है जब हम चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हैं। और एक चीज मुझे नजर आई इस स्क्वाड को देखकर कि भारतीय टीम का क्लियर कट प्लान है कि जो 2023 का हमारा कोर स्क्वाड था ना, उसको काफी हद तक हम रिटेन कर रहे हैं और इसी के साथ हम चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ आगे बढ़ेंगे और 2017 का जो हमारा पाकिस्तान से हिसाब था उसको इस 2024 में हम लेने वाले हैं। लेकिन चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा आपको नजर आ रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने अपने आप को अवेलेबल करा दिया और उन्होंने ये तभी कहा जब सिलेक्शन कमेटी और गौतम गंभीर ने रिक्वेस्ट की कि आप लोग खेलिए। तो काफी लोग जो यहां पर बोलते हैं कि सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या फिर अब वो बात नहीं रही इन खिलाड़ियों में, आप देख सकते हैं कि गौतम गंभीर ने बोला और दोनों खिलाड़ियों ने कहा कि नहीं भैया छुट्टी कैंसिल, आ जाते हैं हम बिल्कुल आपके लिए खेलने। तो ये तो चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। श्रेयस अय्यर की यहां पर वापसी हुई है, विच इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग, लेकिन उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार मॉनिटर किया जाएगा और सिर्फ उनको नहीं बहुत से खिलाड़ियों को किया जाएगा। ये बीसीसीआई ने साफ तौर पर हिदायत दी है कि हम देखेंगे कि डोमेस्टिक में तुम क्या खेलोगे और अब डोमेस्टिक खेलना लगभग कंपलसरी बना दिया जा रहा है खिलाड़ियों के लिए, ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं पर केएल राहुल भाई भी हमें देखने को मिल रहे हैं, विच इज एक्चुअली एन एक्सीलेंट थिंग। शिवम दुबे खेल रहे हैं, लोग काफी कंफ्यूज थे कि दुबे को क्यों मौका मिला, मुझे लगता है क्योंकि हार्दिक ने रेस्ट मांगा था, अब उनकी आपको पर्सनल प्रॉब्लम्स भी पता है कितनी बेचारा वो तकलीफ से गुजर रहा है, तो उस वजह से शिवम दुबे को फिर यहां पर मौका मिल रहा है, मुझे जो लॉजिक समझ में आता है। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज मेरे लिए है वो है कि भैया रियान पराग को दोनों फॉर्मेट में मौका मिल गया। भाई ये ना ये अलग लेवल चीज हुई है, ये तो कुछ भाई नेक्स्ट लेवल यहां पर मास्टर स्ट्रोक जीजी भाई ने खेला है। और इससे भी इंटरेस्टिंग पता है क्या है, ये उनको दोनों फॉर्मेट में मौका मिला इसी वजह से आपको संजू सैमसन ओडीआई से और अभिषेक शर्मा या फिर ऋतुराज गायकवाड़ टी20 से ड्रॉप होते नजर आ रहे हैं। लेकिन भाई साहब संजू सैमसन
सैमसन भाई, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है इस टीम ने। एनीवे दोस्तों, इसके अलावा जडेजा को ओडीआई में मौका नहीं दिया गया है, ये क्लियर कट देखने को मिल रहा है। अक्षर वॉशिंगटन आ रहे हैं, यानी कि टीम मूव ऑन मुझे लगता है यहाँ से भी कर रही है, और सिर्फ जडेजा अब शायद आपको टेस्ट प्रारूप में ही नजर आने वाले हैं ऐसा प्रतीत होता है। और क्योंकि बुमराह शामी नहीं खेल रहे हैं अभी, अनअवेलेबल है, रेस्ट दिया जा रहा है, तो फिर खलील राणा भी आपको नजर आ रहे हैं। और इनफैक्ट राणा जी तो आपको पता है भैया, थोड़े से जी साहब का इफेक्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा, और वो बहुत नॉर्मल है। इनफैक्ट अच्छे टैलेंट है, तो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता है कि जब सीनियर प्लेयर्स आएंगे तो ये खिलाड़ी ऑटोमेटिकली थोड़ा सा साइड होते नजर आने वाले हैं। खैर, चलिए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिन्होंने भैया मुझे हिला कर रख दिया। और इसमें सबसे पहले आता है कैप्टनसी चॉइस। जी हाँ भैया, जब आप बात करेंगे सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन, आप अच्छे तरीके से जानते हैं ये हमारे जी साहब का इफेक्ट है, क्योंकि जी एक्चुअली लव सूर्य एंड वी ऑल लव सूर्य। मतलब मैं भी बहुत पसंद करता हूँ स्काई भाव, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि T20 में मेरा फेवरेट बल्लेबाज है। लेकिन यहाँ पर बात ये निकलकर सामने आती है कि जब आप कप्तानी की बात करते हैं ना, मुझे पर्सनली ये लगता है हार्दिक ज़्यादा डिजर्विंग थे, हार्दिक ज़्यादा अनुभवी थे, लेकिन मैनेजमेंट का क्या सोचना था जब वीडियो कॉल उनसे की गई और दो दिन तक समझाया गया, यही उन्हें समझाया गया कि देखिए जो आपने T20 इंटरनेशनल्स में कॉल ली ना जब आप कप्तान थे, वो थोड़ी सी ऑब्जेक्शनेबल थी ऑन फील्ड कॉल्स, यानी कि आप सही तरीके से निर्णय नहीं ले रहे थे कप्तान के तौर पर। और उनसे ये बोला गया कि आपका फिटनेस कंसर्न हमारे लिए एक बड़ा इशू है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब ये चीज़ें उन्हें बताई गई वो खुद शॉक थे। इनफैक्ट BCCI के खुद सिलेक्शन कमेटी के कुछ मेंबर्स ही शॉक थे कि कैसे यहाँ पर अब लोग ये कह रहे हैं कि हार्दिक को कप्तान मत बनाओ। लेकिन इवेंचुअली क्योंकि गौतम गंभीर सर का ये मानना था, और सुनने में तो ये आया कि रोहित शर्मा भी ये चीज़ कह रहे थे, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी शॉकिंग है, क्योंकि रोहित भाई तो अभी यार मैं सुना था कि T20 वर्ल्ड कप में जाते हुए इनफैक्ट मैनेजमेंट कह रहा था कि नहीं कप्तान वाइस कप्तान बनाते हैं हार्दिक पांड्या को, पर रोहित भाई टले हुए थे कि नहीं वाइस कप्तान मैं हार्दिक को ही लेकर जाऊंगा। फिर अचानक से यार ऐसी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आना मुझे थोड़ा सा कम समझ में आता है। सिर्फ इतना हो सकता है कि मतलब रोहित भाई ने बोल दिया होगा कि चलो ठीक है अब तो वर्ल्ड कप जीत गए, अब थोड़ी सी व्यक्तिगत दुश्मनी है उसका बदला ले लेते हैं। लेकिन चलो ये तो मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया। लेकिन जो मुझे इसमें नजर आया ना, वो मेन था गौतम गंभीर का ही रोल, और उसके बाद अगरकर साहब जो कि सिलेक्शन कमेटी के हेड थे वो इवेंचुअली एग्री कर गए इस चीज पर कि ठीक है मुझे लगता है ये सही फैसला है और सूर्य कुमार यादव को ही कप्तान बनाना चाहिए, जिसमें पुराने हेड कोच राहुल द्रविड़ सर से भी इनपुट्स लिए गए थे, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी चीजें थी, और जो मेजर फैसला था वो इंजरी के इर्द गिर्द गया, इसी वजह से सूर्या भाव को यहां पर एडवांटेज मिल चुका है। और इसको हमने दो दिन पहले, इनफैक्ट लगभग अब तो तीन दिन पहले ही बता दिया था कि सूर्य कुमार यादव ही आपके T20 के कप्तान है। उस वक्त काफी लोगों ने डाउट किया कि भाई अभी कुछ ऑफिशियल नहीं है, पर हमने लिख दिया था हमारे टेलीग्राम पर, आप लोग जुड़े हो तो आपको पता होगा, इसलिए लिंक है कॉमेंट बॉक्स में, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, बहुत सारी अपडेट्स लगातार वहां पर आती रहती है। पर भाई कुछ भी कहो, हार्दिक के लिए ना बहुत ही दिल से बुरा लगता है। मतलब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले 9 महीने में 10 महीने में जो हुआ और सब कुछ एक तरीके से एक फैंस के दृष्टिकोण से ही हमारे पक्ष से हुआ है, मुझे लगता है कि एज अ फैन शायद हमने अपने आप को लेट डाउन किया है। मुझे फील होता है कि शायद हमने यहाँ पर डेफिनेटली गलत किया है। हालांकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको फील भी नहीं होता भाई, इतने के बावजूद भी अगर हार्दिक पांड्या के लिए आप फील नहीं कर पा रहे हो ना, तो शायद फिर आपका दिल भाई वो पत्थर का ही दिल होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि क्या क्या नहीं हुआ उस बंदे के साथ, फिर भी वो मुस्कुराता रहा, इतना गम था जो छुपाता रहा। लेकिन अब हम सभी लोग आपके साथ खड़े हैं भाई, आप बिल्कुल यहाँ पर एकदम डटे रहो, और आपके साथ हिम्मत से खड़े भी रहेंगे इस बात की भैया पूरी गारंटी भी देते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं सूर्या भाई को भी ऑल द वेरी बेस्ट यहाँ पर विश करना चाहता हूँ, क्योंकि सूर्या भाई भी यही कह रहे होंगे कि यार लोग मेरे को पहले से ही जज कर रहे हैं, पहले मुझे थोड़ा सा मौका तो दो। और जब मौके की बात आती है ना, तो मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ कि सूर्या को कप्तान क्यों बनाया गया। अगर आप ये जवाब ढूंढ रहे हो ना, तो जवाब जो सुनने में आया वो ये था कि सूर्या रोहित से ज्यादा मैच खाते नजर आते हैं, वो प्लेयर्स के ज्यादा फेवरेट हैं, वो ज्यादा बेहतर लीडर हैं, वो ज्यादा बेहतर खिलाड़ियों से कनेक्ट करते हैं हार्दिक की तुलना में, इसलिए उन्हें कप्तान बनाया गया है, ऐसा इंटरनल टॉक्स में हमें सुनने में आया है। तो ये सारी चीजें हैं, तो डेफिनेटली यार ऑल द वेरी बेस्ट, और हम उम्मीद करते हैं कि सूर्या भाई आपकी कप्तानी में 2026 में डिफेंड करेंगे T20 वर्ल्ड कप को, और एक बार फिर से उसे घर में ही लाएंगे, एक्चुअली घर में ही है, घर में ही रखेंगे उस ट्रॉफी को। एनीवे, अगर बात हो यहां पर अनफेयर सिलेक्शंस को लेकर, तो पहले भी हाईलाइट किया मैंने, लेकिन सबसे बड़ा रहेगा संजू सैमसन का। देखिए भैया, ODIs में जिस बंदे की 56 की एवरेज है, जो लास्ट मैच में आपके लिए शतक मारकर आ रहा है, जिसने इतने इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए और जब जब मौके मिले तब तब परफॉर्म किया, ये तो भैया पूरी तरीके से सैमसन के साथ भाई साहब इनजस्टिस हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इसमें तो आप कंसिस्टेंसी का भी बहाना नहीं दे सकते कि बंदा कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि जब जब आपने खिलाया बंदे ने परफॉर्म करके दिखाया। लेकिन एक ही बात जो मुझे लॉजिकल नजर आई वो ये हो सकता है कि शायद जगह
जगह नहीं थी। शायद आप ये सोच रहे थे कि किसकी जगह लेकर आए। अब रियान भाई का कैसे सिलेक्शन हो गया वो भी अपने आप में एक मिस्ट्री ही है, लेकिन अब क्या उनकी जगह हो सकता था। हालांकि वही बात है कि आप कहोगे कि वो एक ऑलराउंडर की भूमिका में आएंगे, आई नो ऑल दोज थिंग्स, बट दिस इज वॉट इट इज। और इसमें ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू मैं आपको बताता हूँ। वैसे जीजी साहब का ना मैंने ये सोशल मीडिया पर भी डाला था कि कोच बनने के पहले जीजी साहब ने एक ESPN से शायद बात करते हुए बोला था कि कोई एक ऐसी टीम होगी जहां पर नहीं खेलेगा संजू सैमसन ना, तो वो सिर्फ भारत ही होगा, बाकी वो पूरे विश्व में हर जगह प्लेइंग 11 में होगा, और अगर संजू इंडिया के लिए नहीं खेलता है तो ये इंडिया का लॉस है, संजू का नहीं। उसके बाद जीजी सर यहां पे कोच बन जाते हैं और संजू को ODI स्क्वाड में जगह नहीं मिलती। तो एक सच्चाई आपको देखने को मिलती है ना कि जब आप बाहर से बोलते हो ना तो चीजें बहुत अलग होती हैं, जब आप अंदर जाते हो वो प्रेशर फील करते हो, वो उस शूज को फील करते हो, तो शायद पर्सपेक्टिव आपका बदलता है। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सबके साथ ये चीजें होती हैं। लेकिन वही बात है ना कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बाहर और फिर अंदर जाकर ना अपनी बातों पर टिक पाए, नहीं हो पाता भाई, नहीं हो पाता, ये सच्चाई है। और इसमें बहुत से रूल्स भी हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसमें जीजी का कोई है, हो सकता है कोई एक्सटर्नल प्रेशर हो है कि वो चाहते हो, और सारे जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हों या फिर इनफैक्ट जो कप्तान हो शायद उनकी सोच अलग हो, बहुत सी चीजें होती हैं, तो उस पर भी भैया देख सकते हैं। लेकिन आप पर यहां पर कोई प्रेशर नहीं है, आपके लिए मैं सारी चीजें खुली छूट दे रहा हूं। 368 के सब्सक्राइबर्स का टारगेट रख दिया है, आपके लिए नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रही है, फटाफट से दबा दीजिए, और यही सेम स्टोरी आपको ऋतुराज गायकवाड़ के साथ भी नजर आएगी। अब उनके लिए ना तो भाई उसको तो बंदे को तो रॉब कर लिया गया यार, क्योंकि उसे स्क्वाड में ही मौका नहीं मिला यार। T20s में ऋतुराज गायकवाड़ ने लगातार परफॉर्म किया, याद है लास्ट वीडियो में क्या बोला था तुमसे, तब मेरे को काफी लोग बोल रहे थे कि बंदा बोल रहा है कि ऋतुराज को मौका नहीं मिलता है और अब फिर से गिल को मौका मिलेगा। क्या हुआ, जो बोला था एग्जैक्टली वही हुआ। मैंने आपको बताया कि वो फिक्स कोटा है भाई, और वही मैंने बड़ा नॉर्मल से बोल दिया तो लोगों को लगा कि मैं यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ भेदभाव कर रहा। मैं भेदभाव नहीं कर रहा था, मैं रियलिटी बता रहा था कि यही होता है, और यही एक बार फिर से देखने को मिला है भाई। उस बंदे ने ना T20s में लगातार परफॉर्म किया, चलो ODIs में नहीं किया, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, मत रखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन T20s में क्या गुनाह था उनका, कोई नहीं था। और उसके बाद फिर भैया अब ये चीज़ें तो मतलब गिल भाई फिर किस तरीके से वाइस कप्तान बन जाते हैं, मतलब इस पे अपने आप में एक इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, क्योंकि गिल भाई के पास वीडियो है, मुझे ऐसा तो प्रतीत होता है। क्योंकि देखो यार ये गलत लगता है ना भाई, अभी गलत को गलत बोला जाएगा यार, कि मतलब एक बंदा आपके लिए इतना अच्छा कर रहा है लगातार 2 साल से कर रहा है, जब आपने मौके दिए, उसकी एवरेज यार 60-60 की एवरेज है उसकी T20 में, और 150-150 के स्ट्राइक रेट है, आप उसको मौका ही नहीं देते, खिलाते ही नहीं हो एकदम, और एक बंदा जो कि इनसे कम ही कर रहा है आप उसको वाइस कप्तान बना देते हो, तो भाई ये भेदभाव क्यों यार। और ऐसा नहीं है कि लीडरशिप क्वालिटी ऋतुराज में नहीं है, वो भी तो चेन्नई को लीड करता है, तो ये चीज़ें यार मतलब देखो आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे ना, अगर आप एकदम ही वो वाली चीज़ नहीं है कि नहीं भाई मैं तो चाहता हूँ कि गिल ही रहे, मुझे फ़र्क ना पड़ता, अगर आप थोड़ा सा भी जस्टिस और इनजस्टिस या फिर न्यूट्रल होकर सोचोगे, आपको रियलाइज़ होगा भाई ये चीज़ ये गलत हुई है, ये बिल्कुल गलत हुई है। और इसीलिए दोस्तों एनीवे जो मेरा पूरा कंक्लूजन है इस स्क्वाड से वो यही है कि थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग स्क्वाड नज़र आ रहा है। ODIs में मुझे ये समझ में आया कि ये टीम ने अपना एक कोर रिटेन किया है, उसी के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जो कि मुझे लगता है एक सही मूव है। और लेकिन T20s में कुछ सिलेक्शंस, यहां पर रियान पराग को दोनों स्क्वाड्स में अचानक से मौका फिर से मिल जाना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक मुझे नजर आया। फिर जिस तरीके से यहां पे ऋतुराज गायकवाड़ को मौका नहीं मिला और अभिषेक शर्मा नहीं आते हैं टीम में, इनफैक्ट आप रिंकू को भी देखोगे तो वो ODI में, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजिंग काफ़ी नज़र आई हैं, मतलब काफ़ी बोल्ड मूव्स कह सकते हैं शायद आप उन्हें दूसरी भाषा में, हमें जीजी सर की तरफ से उनके नए एरा में देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं भाई आगे क्या होता है, हम तो अपनी तरफ से मतलब बेस्ट विशेज ही रखेंगे कि जैसा फैसला है उसका कुछ अच्छा ही रिजल्ट निकले, और जीजी भाई को अब जब हमने चुना है तो थोड़ा सा उनको भी तो सपोर्ट करो ना, ऐसा नहीं है कि एक ही स्क्वाड के बाद हम एकदम ये हो जाएं कि नहीं ये क्या कर दिया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल हो सकता है उसके पीछे उनकी सोच बहुत गहरी हो, उसका हमें सम्मान करना चाहिए और इंतजार भी करना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में अपनी राय बताएं, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, IPL 2025 पर बहुत इंपॉर्टेंट खबरें यहां पर है, चेकआउट करिए, मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।